एक बार भगवान बुद्ध जेतवन विहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए और उनके आने पर धर्म, दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे और एक दिन विहार के कुछ भिक्षुओं ने उनकी कुटिया के बाहर मरे हुए कीड़ों को पाया और उन्होंने चक्षुपाल जी की निंदा करनी शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि इन्होंने जीवित प्राणियों की हत्या की है। परंतु भगवान बुद्ध ने उन्हें बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा? तो इस पर साधकों ने उत्तर दिया, नहीं। तो भगवान बोले कि जैसे तुमने कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही भिक्षु चक्षुपाल ने भी कीड़ों को मरते हुए नहीं देखा। तो उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा, यही वजह है कि हमें उनकी भत्सरना नहीं करनी चाहिए। इसके बाद भिक्षुओं ने चक्षुपाल जी के अंधे होने का कारण पूछा तो भगवान बुद्ध ने बताया कि पूर्व जन्म में वे एक चिकित्सक थे और एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उसकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, परंतु उसने दासी बनने के भय से यह मानने से ही इनकार कर दिया कि उसकी आंखें ठीक हो चुकी हैं। अब चिकित्सक को तो ये बात मालूम थी कि स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं और वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल जी ने उसे दूसरी दवा दे दी और उस दवा से वह महिला फिर से अंधी हो गई और वह कितना ही रोई, गिड़गिड़ाई, पर चक्षुपाल जी का दिल जरा भी ना पसीजा और इसी पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को ही अंधा बनना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, कर्म वो आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखा देते हैं। जी हाँ, यही वजह है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। ये ज़रूरी तो नहीं कि हर इंसान रोज़ मंदिर जाए, लेकिन कर्म ऐसे करे कि जहाँ इंसान चला जाए वहीं भगवान का मंदिर बन जाए। जीवन में सब कर्मों का ही फेर है, कर्म लौट कर ज़रूर आता है। जो आज तुम्हें रुला रहा है, कल कोई उसे भी ज़रूर रुलाएगा। तो हमेशा अच्छे कर्म कीजिए ताकि भगवान हमेशा ही आपको उन अच्छे कर्मों के बदले अच्छे फल देंगे।